डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। हम सभी जानते हैं 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की आयु को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था के तुरंत बाद प्रौढ़ावस्था प्रारंभ हो जाती है। प्रौढ़ावस्था को हम इंग्लिश में एडल्टहुड कहते हैं। एडल्ट मतलब कि प्रौढ़। तो प्रौढ़ावस्था की आयु जो होती है वह 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु को माना गया है। तो एक बार फिर से देखिए, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रौढ़ावस्था की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है बहुमुखी उत्तरदायित्वों की अवस्था, एज ऑफ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम सभी जानते हैं कि जब हमारी युवावस्था, जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं, जब किशोरावस्था हमारी समाप्त हो जाती है तो हम प्रौढ़ हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। और जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे उत्तरदायित्व आ जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो इसीलिए प्रौढ़ावस्था को उत्तरदायित्वों की अवस्था कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे उत्तरदायित्व, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। क्योंकि अब यह मान लिया जाता है कि अब कोई व्यक्ति ना तो बालक है और ना ही युवा है, अब वह मैच्योर हो चुका है, अब वह पूरी तरह से डेवलप हो चुका है और अपनी एवं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसीलिए इस अवस्था को हम उत्तरदायित्व की अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रौढ़ावस्था में जब व्यक्ति की शादी होती है तो उसका अपना परिवार हो जाता है, तो उसके अपने परिवार का उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है। साथ ही माता पिता, क्योंकि वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, तो उनका भी उनको संभालने का, उनकी देखरेख का जो जिम्मेदारी होती है वह भी एक प्रौढ़ के ऊपर आ जाती है। और साथ ही उसको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने रोजगार या अपनी नौकरी, उसकी ओर बहुत अधिक ध्यान देना होता है, ताकि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनको पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धन की भी प्राप्ति कर सके। तो इस प्रकार इस अवस्था को हम बहुमुखी उत्तरदायित्वों की अवस्था कहते हैं। दूसरा है आत्मनिर्भरता की अवस्था। हम सभी जानते हैं कि युवावस्था हमारी पढ़ाई में निकल जाती है, जो हमारी हायर एजुकेशन होती है, मतलब कि उच्च शिक्षा होती है, उसमें निकल जाती है। या कोई डॉक्टर बनने की तैयारी करता है, कोई इंजीनियर बनने का कोर्स करता है, तो ये सारे कोर्सेज जो हैं ये हमारे युवावस्था तक ख़त्म हो जाते हैं। और जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर होते हैं। हमारी नौकरी लग जाती है, किसी को अपना व्यापार करना है, अपना व्यवसाय करना है, तो वो अपने व्यवसाय में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने पर व्यक्ति जो है वह आत्मनिर्भर बन जाता है। इस अवस्था को हम आत्मनिर्भरता की अवस्था इसलिए भी कहते हैं क्योंकि व्यक्ति अब अपने डिसीजंस अपने आप ले सकता है, अपने परिवार के बारे में डिसीजंस ले सकता है, और साथ ही उसके सही निर्णय लेना बहुत अधिक आवश्यक भी है। इसीलिए अब वह आत्मनिर्भर माना जाता है। अब उसे अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों से पूछने की या अपने परिवार वालों से भी कभी कभी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ डिसीजंस उसको स्वयं ही लेने पड़ते हैं। इसीलिए इस अवस्था को हम आत्मनिर्भरता की अवस्था कहते हैं। तीसरा है परिपक्वता की अवस्था, जिसे हम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं। हम सभी जानते हैं, हम सभी ने बात की कि युवावस्था में हमारा अधिकतम विकास होता है, परंतु फिर भी युवावस्था में उतनी अधिक परिपक्वता या उतनी अधिक मैच्योरिटी नहीं आती। इसको हम परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में
काफ़ी सारे अनुभव जो हमारे युवावस्था तक हो गए होते हैं उन सबका लाभ भी व्यक्ति को मिलता है, और साथ ही उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास ये सभी अपने पूर्ण परिपक्वता की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसीलिए इस अवस्था को हम परिपक्वता की अवस्था या मैच्योरिटी की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हम एक व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वह वही सब कार्य करे जो एक मैच्योर व्यक्ति को करने चाहिए, जो उसके समाज के द्वारा प्री डिसाइडेड होते हैं। समायोजन की अवस्था, प्रौढ़ावस्था को हम समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, तो इसको हम पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उसको एक नए परिवार की, मतलब लड़का है तो उसे नए परिवार की जिम्मेदारी मिल जाती है, और लड़कियां भी हैं तो उन्हें भी नए परिवार में जाकर नए सदस्यों से मिलकर समायोजन बैठाना पड़ता है। तो इसीलिए जब विवाह हो जाता है लड़के और लड़कियों का, तो उन्हें अपने परिवार के साथ जो समायोजन बिठाना पड़ता है, इसी कारण उसको हम समायोजन की अवस्था कहते हैं। साथ ही जब हमारी नई नई नौकरी लगती है, नया यदि हम कोई व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें जो अपने सहकर्मी होते हैं उनके साथ भी हमें चाहते या ना चाहते हुए समायोजन स्थापित करना ही पड़ता है। तो इसीलिए इस अवस्था को हम समायोजन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। उपलब्धियों की अवस्था, युवावस्था तक जो एक बालक होता है या जो एक किशोर होता है, उसने जितनी भी अपनी मेहनत की है पढ़ाई में, क्रिएटिविटी में, अपनी योग्यताओं को जितना भी बढ़ाया है, तो उन सभी का जो रिवार्ड होता है, उन सभी का जो इनाम होता है, वो हमें प्रौढ़ावस्था में जाकर ही मिलता है। इसीलिए इस अवस्था को हम उपलब्धियों की अवस्था कहते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था में हमें नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, हमारा विवाह हो जाता है, उसके बाद बच्चे भी होते हैं, कई लोग अपना नया घर बनाते हैं, अपनी जो जीवन भर के जो उनके सपने संजोए हुए होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी उनके कार्य होते हैं, वो सभी वो चाहते हैं कि वो सभी प्रौढ़ावस्था में ही पूरे हो जाएं, ताकि वृद्धावस्था में उनको उन सभी कार्यों के लिए मेहनत ना करनी पड़े। तो इसीलिए प्रौढ़ावस्था को हम उपलब्धियों की अवस्था कहते हैं, सफलता की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में डिसाइड होता है कि हम सफल हुए हैं या नहीं, अपनी जो इच्छित चीज़ें हैं, अपने जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, और जो उद्देश्य हमारे पूरे हो जाते हैं वो हमारे लिए एक तरह का रिवार्ड होते हैं या हमारी सफलता को निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रौढ़ावस्था की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ।